Hello everyone, I am Sanjeev gupta from civil department. तो आज हम लोग numerical सॉल्व करने वाले हैं कॉलम का, जिसका कंडीशन है वो थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो numerical सॉल्व किया था वो नॉर्मल कंडीशन लाई करता था. ठीक, तो आज का हमारा जो numerical है वो है एक 1.5 मीटर लंबी एवं 16 mm व्यास की एक वृत्ताकार छड़ को सुदलम धरण के रूप में प्रयुक्त किया गया है. धरण के मध्य बिंदु पर 100 न्यूटन का सेकेंडरी भार आरोपित करने पर 5 mm का विच्छेद हुआ. अब यदि इसी छड़ को ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में उपयोग में लाया जाए एवं दोनों सीधे आबद्ध हो तो इस स्तंभ के लिए अंगुजन भार ज्ञात करो. तो इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि हमारे पास 1.5 मीटर की मतलब 1.5 मीटर लंबी एक छड़ है जिसका जो डायर है वो कितना है 16 mm डायर का 1.5 मीटर लेंथ का छड़ हमारे पास उपलब्ध है. ठीक है, और वो क्या है, एक बीम के रूप में है. ठीक, वो एक बीम के रूप में है और इस बीम में के मध्य में इस मतलब इसका लेंथ है उसके बीच में क्या लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का वेट लग रहा है और 100 किलो न्यूटन वेट लगने की वजह से उसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है आपका 5 mm. ठीक, 100 न्यूटन का वेट लगने पर डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, 5 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है. अगर उसी छड़ को हम लोग क्या करते हैं वर्टिकली, अभी क्या है हॉरिजॉन्टल है, अभी क्या है बीम मतलब हॉरिजॉन्टल. अब उसी छड़ को अगर हम लोग एक कॉलम के रूप में यूज करना चाहें, ठीक है, कॉलम के रूप में मतलब वर्टिकल करना पड़ेगा उसको, तो उसी छड़ को हम लोग को कॉलम के रूप में यूज करना है, उसको वर्टिकल करना पड़ेगा. ठीक है, और उसका जो दोनों सिरा है बोथ एंड वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. तो उस कंडीशन में उसका जो अंकुचन भार जो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसमें हम लोग कितना लोड अप्लाई करेंगे कि वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक, सिकुड़ेगा. ठीक, उसका जो मतलब लेंथ है वो थोड़ा डिक्रीज होगा. ठीक है, तो कितना लोड अप्लाई करेंगे कि उसका मतलब वो जो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक, वो हमको ज्ञात करना है. तो इसको पहले हम लोग एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं. तो डायग्राम में क्या है आपका, एक हमारे पास एक रॉड है. ठीक, इसका लेंथ कितना है, इसका जो लेंथ है 1.5 मीटर है, इसका डायर कितना है, ये जो वैल्यू है ये है आपका 16 mm. ठीक, और इसके मेन बिंदु पर मतलब यहां 100 न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है जिसके चलते ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है. डिफ्लेक्शन का मान कितना है, 5 mm. ठीक, ये हमारे क्वेश्चन का कंडीशन दिया हुआ है. ठीक है, अब इसी छड़ को हम लोग वर्टिकल एक कॉलम के रूप में यूज करेंगे जिसका बोथ एंड फिक्स होगा. तो इसमें हम लोग इतना लोड लगाएंगे कि इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक, क्योंकि ये कंप्रेस करता है, जब तक ये बीम है तब तक इसमें क्या होगा,
कंप्रेशन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जब एक कॉलम के रूप में हम लोग यूज करेंगे तो कॉलम में क्या होता है, हमेशा कंप्रेशन लगता है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है, तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक। तो ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। अब इस पी की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गिवन डाटा, ठीक। तो इसमें हमारा दिया क्या क्या है, लेंथ, लेंथ दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर, ठीक। डाया दिया हुआ है कितना, d इज इक्वल टू 16 mm, ठीक है। और जो हमारा जो लोड है W, ये कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन, ठीक। और क्या दिया हुआ है इसमें, डिफ्लेक्शन, जो टेल है वो कितना दिया हुआ है, 5 mm, ठीक। ये चीज हमारा दिया हुआ है। अब सबसे पहले जैसे हम लोग को ये पता चल गया कि इसमें दिया क्या क्या है, तो हम लोग को, मैंने जैसे पिछले वीडियोस में भी बताया था, हमको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, संकुचन भार जो कॉन्ट्रैक्शन के, कॉन्ट्रैक्शन जो लोड है वो हमको फाइंड करनी है, तो उसका हम लोग को क्या होना चाहिए पता, जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, ठीक। तो हमारा जो रिजल्ट का जो फॉर्मूला होता है, आपका जो कॉलम होता है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दो फॉर्मूलाज होते हैं जिससे मैक्सिमम कॉलम के जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होते हैं। पहला होता है यूलर्स फॉर्मूला और दूसरा होता है रैंकाइन। तो जो यूलर्स फॉर्मूला होता है वो किस कंडीशन में होता है, जब तक बकलिंग है हो रहा है, ठीक, आपके कॉलम में, और जब तक बकलिंग हो रहा है तब तक हम लोग यूलर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहाँ पास क्रसिंग स्टार्ट हो जाता है वहाँ पास रैंकाइन फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। एक वीडियो में मैंने यूलर्स और रैंकाइन का डेरिवेशन और वो बताया हुआ है, तो आप लोग चैनल में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को पता चल गया। अब हमको फाइंड जो करना है वो क्या है, पी की वैल्यू, ठीक। तो जो पी की वैल्यू है वो क्या होगी, 4π² EI/L, ठीक। ये चीज हमको क्या करना है, फाइंड करना है, 4EI/L². तो अब इसमें 4π का, ठीक है, हम लोग को वैल्यू चाहिए EI/L² का, ठीक। और ये किस लिए है, ये कंडीशन किसको लाई करता है, ये पी की जो वैल्यू है ये कंडीशन लाई करता है, बोथ इन फिक्स, अगर यहाँ बोथ इन फिक्स रहता तो इसकी वैल्यू यहाँ पास चेंज रहती, लेकिन क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ था कि बोथ इन फिक्स है, इसलिए हमारे पी की जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक। अब हमारे पास जब इतनी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो तब क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा जो बीम दिया हुआ है बीम को सॉल्व करेंगे, बीम को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये वैल्यू हमको वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो जो पॉइंट लोड लग रहा था, 100 न्यूटन का पॉइंट लोड जो लग रहा था, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो डेल का जो वैल्यू होगा 0.4 अप्लाई 0.4 लोड इन
सेंटर ऑफ बी, ठीक। फॉर पॉइंट फोर, फॉर अपलाइन पॉइंट फोर सेंटर एट बी, उसके लिए जो डेल का जो वैल्यू होता है बी में वो क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 EI, ठीक है, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 EI। ये किसके लिए होगा, फॉर अप्लाइंग पॉइंट फोर इन सेंटर ऑफ बीम, ठीक। जैसे इसमें हमारा जो कंडीशन होता है ना बोथ इन फिक्स, उसके लिए ये वैल्यू होता है, उसी प्रकार इसमें भी लोड अप्लाई होने की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है डेल का वैल्यू, ठीक है, उसके हिसाब से इसका वैल्यू भी चेंज होता रहता है। कई जगह जहाँ जैसे यूडीएल लोड रहता है वहाँ डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 आता है, ठीक है, इसमें पॉइंट लोड है वो भी सेंटर में, इसलिए क्या आया आपका डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डब्ल्यू का तो मान है और एक एल का भी मान है, अच्छा, और जो ये एल क्या है ना मीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे एमएम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि सब एमएम में है, न्यूटन में, किलो न्यूटन में नहीं है, ये न्यूटन में है, ये एमएम में है, ठीक है, ये भी एमएम में, ये बस मीटर में, जिसके हम लोगों ने क्या किया इसको मिलीमीटर में चेंज कर दिया। अब हमारे पास लगभग बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए, एल इस ये वैल्यू चाहिए, ई अपॉन एल एल स्क्वायर की वैल्यू, तो इसमें है ई भी है एल भी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग इस चीज को निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पास क्या होगा डब्ल्यू, अब हमको एल स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे इसमें से एक एल को बाहर निकालेंगे, डब्ल्यू इंटू एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन 48 ई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें डब्ल्यू और एल की वैल्यू रखेंगे, तो जब हम लोग यहाँ और यहाँ पास क्या है डेल, तो हमारे पास जो है वो डेल की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 5, ये जो 5 mm है, 5 mm है जो डिफ्लेक्शन है वो किसकी वैल्यू है, डेल की वैल्यू है, ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन है डेल की वैल्यू वो कितना है 5 mm है, और जो आपका डब्ल्यू है वो क्या है 100 न्यूटन, ठीक, इंटू एल की वैल्यू कितनी आएगी 1500 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 48 ई, ठीक, ये चीज समझ में आया। अब हमको क्या चाहिए, एल स्क्वायर अपॉन ई एल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इतने पार्ट इसके इधर वाले को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन ई एल, ठीक है, इज इक्वल टू ये 48, यहां पास क्या है ई एल इक्वल है और एल नीचे में है, तो हम लोग इसको भी उसी फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है, तो उसी फॉर्म में चेंज करेंगे तो आई अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ई एल ऊपर चलेगा तो ये 5 नीचे आ जाएगा, यहां पास तो 5 तो नीचे आ गया, ठीक है, अब ये 48 है तो यहां पास क्या हो जाएगा 48, और ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 100, ये चीज समझ में आया। यहां पास अगर हम लोग इसको 1/5 करेंगे तो यहां पास क्या हो जाएगा 48 EI अपॉन 100 इंटू 1500 इंटू एल स्क्वायर, ठीक, तो ई आई अपॉन एल स्क्वायर है हमारे पास, ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ये जो पार्ट है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा और ये जो 48 है क्या जाएगा नीचे चल जाएगा, तो ये समझ में आया ये कैसे हुआ, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो
ई आई अपॉन एन स्क्वायर का मान आएगा, ई आई अपॉन एन स्क्वायर का मान वो आएगा 625। ठीक, वो आएगा आपको कितना 625। तो हमारा जो ये जो पार्ट था ई आई अपॉन एन स्क्वायर, इसको हमने क्या किया, फाइंड कर लिया है ई आई अपॉन एन स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, वो सिक्स वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो putting the value of EI upon N square in the formula kiska contraction load ka। The condition of both in fixed। ठीक, putting the value of EI upon L square in the formula is a contraction load का, like the condition of both in fixed। ठीक है, both in fixed वाले condition को लाई करता है। ठीक है, उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है बाहर को निकालने के लिए, कॉन्डक्शन लोड को निकालने के लिए, वो क्या है, ई इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पास हम लोग को ई आई अपॉन एल स्क्वायर का मान भी पता चल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास पुटिंग पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 625। ठीक, क्योंकि आई अपॉन एल स्क्वायर का मान कितना आया था, 625 आया था, तो ये क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 24674.01 न्यूटन। ये हमारा क्या निकल गया, लोड। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, किलो न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, तो P इज इक्वल टू ये क्या होगा, 1234.674 किलो न्यूटन। तो हमारे जो कॉन्ट्रेक्शन लोड है, हमारे जो कंडीशन गिवन कंडीशन था जिसमें क्या था, हमारे जो गिवन कंडीशन में जो बीम है उसको अगर हम लोग बोथ इन फिक्स कंडीशन में अगर कॉलम के रूप में यूज करेंगे, तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन के लिए कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो उसमें हम लोग को कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा, 24.674 किलो न्यूटन का लोड हम लोग जब अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और ये लोड क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। ठीक, जब उसका लेंथ 1.5 मीटर, डाया 16 मीटर होगा तब। ठीक, हमारे जो कॉलम है उसका लेंथ 1.5 मीटर और जो डाया है सर्कुलर कॉलम है और जो डाया है वो 16 mm होगा। तो इतना लोड लगाने पर ये जब कंप्रेस करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक,